हेलो फ्रेंड्स, रूबी झा के किचन में आप लोग का स्वागत है और बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से हो। आज हम आप लोग के लिए क्या बनाएंगे? बहुत अमेजिंग सा डिश, क्योंकि जो हमारे घर में ही उपलब्ध रहता है, जिसे हम सब्जी कहते हैं। तो आज हम बनाएंगे गोभी का पूरी, और बिल्कुल यहाँ पे हलवाई स्टाइल और सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाली, जिसे आप आलू की चटनी के साथ, धनिया की चटनी के साथ, और यहाँ पर मैं आज हम घुगनी के साथ भी सर्व करेंगे। तो चलिए हम लोग किचन में चलते हैं और मिल के बनाते हैं। और उसके लिए हम लोग क्या क्या लेंगे, तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और उससे पहले, जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज आप लोग लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और सपोर्ट करिए। तो चलिए हम लोग मिल के बनाते हैं किचन में। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे बड़े साइज का एक गोभी ले लिए हैं। और अब यहाँ पे हम गोभी को क्या करेंगे, तो कट कर लेंगे। तो चलिए, हम आज आप लोग के लिए बहुत अच्छा डिश बनाएंगे। तो चलिए पहले हम इसको काट लें। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम जार ले लिए हैं, मिक्सी जार। अब यहाँ पे गोभी जो है, हम अच्छे से यहाँ पे धो लिए हैं। इसको हम हल्का सा गर्म पानी करके और गोभी को हम अच्छे से धो लिए हैं। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम पहले गोभी डाल दिए हैं, लेकिन हमको पहले गोभी नहीं डालना है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम क्या किए हैं, मिक्सी जार ले लिए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सौंफ डाल देंगे। तो यहाँ पे 1 टेस्पून हम सौंफ लिए हैं, और यहाँ पर मैं आधा टेस्पून जीरा ले लिए हैं। दोनों हम डाल देंगे। सौंफ से जो है, यहाँ पर मैं जो पूरी है, पूरी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ पे 3 हरी मिर्च ले लिए हैं, इसको हम काट लिए हैं। यहाँ पर मैं 10 से 12 कलीरे हम लहसुन का ले लिए हैं। छोटा सा हम अदरक का टुकड़ा लिए हैं, जिसको हम यहाँ पर मैं बारीक चॉप कर लिए हैं। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर मैं देखिए, हम गोभी को अच्छे से काट के अच्छे से बॉस कर लिए हैं। इसको हम हल्का सा गर्म पानी करके हम बॉस किए हैं और छोटे छोटे पीसेस में काट लिए हैं। अब यहाँ पे हम सब डाल करके, और इसको हम मिक्सी जार में एकदम हम बारीकी से हम पीस लेंगे। अगर एक बार में नहीं होता है, तो थोड़ा थोड़ा डाल करके उसके बाद फिर हम यहाँ पर में पीस लेंगे। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कितना महीन, यहाँ पे देखिए बारीक हम पीस लिए हैं। और हम यहाँ पर में पानी, इस कटोरी से हम यहाँ पर में हम 1 कटोरी पानी डाले हैं। बहुत ज़्यादा पानी हम नहीं डाले हैं। अब चलिए, हम इसका पेस्ट बना लिए हैं। अब यहाँ पे हम आटा गूंथेंगे। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर में आटा ले लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए, भर के हम 3 कप आटा ले लिए हैं। और यहाँ पर मैं क्या करेंगे, तो हम नमक ऐड कर देंगे स्वाद के अनुसार। अब यहाँ पे हम अजवाइन और मंगरेला, तो यहाँ पे सबसे पहले हम मंगरेला ले लिए हैं। इसको हथेली से क्रश कर देंगे और इस तरह से हम डाल देंगे। थोड़ा सा यहाँ पे अजवाइन ले लिए हैं, इसको भी डाल देंगे। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब यहाँ पर में हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा, आधा टीस्पून से भी कम। और यहाँ पे हम थोड़ा सा अब लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। तो यहाँ पे हम 1 टीस्पून लाल मिर्च ले लिए हैं। और अब यहाँ पे थोड़ा सा हम धनिया पाउडर डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत ही चटपटा बना रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम धनिया पाउडर डाल दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा हम गरम मसाला ले लिए हैं। और अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पर में जो पीसा हुआ हम यहाँ पे गोभी पीस के रखे हैं, तो हम इसको डालेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पर में रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो कम से कम यहाँ पे 2 से 3 टेस्पून रिफाइंड ऑयल डाल दिए हैं। और अब हम इस तरह से हम डालते हुए, जो यहाँ पे गोभी का जो हम पेस्ट बनाए हैं, तो उसको हम धीरे धीरे डालेंगे। और हम पानी बिल्कुल इसमें ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि जो हम गोभी का प्योरी बनाए हैं, तो हम उसी से ये आटा गूंथेंगे। और आटा जो गूंथेंगे, वो हमको यहाँ पे रोटी की वाला आटा नहीं बनाना है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आटा हम सख्त टाइप में गूंथेंगे, थोड़ा सा हार्ड ही रहेगा। अब यहाँ पे हम धनिया पत्ती हम ले लिए हैं, तो धनिया पत्ती भी डाल देंगे। और इस तरह से अब हम अच्छा सा एक डो तैयार कर लेंगे, थोड़ा सा टाइट ही डो बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम आटा हम लगा लिए हैं। और यहाँ पे देखिए, आटा जो है बहुत ज़्यादा लूज नहीं है, थोड़ा सा हार्ड है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम रिफाइंड ऑयल ले लेंगे, और इस तरह से हम चारों बगल
यहाँ पे लगा के और यहाँ पे हम ढक के आटा छोड़ देंगे। तो यहाँ पे कम से कम हम यहाँ पे 10 मिनट के लिए आटा को रेस्ट करने देंगे। तो चलिए हम 10 मिनट इसको रेस्ट करने दें। आप कोई भी प्लास्टिक या कोई प्लेट से ढक दीजिए। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, पूरे 10 मिनट हो चुका है और अब यहाँ पर में हम आटा ढक के छोड़ दिए थे और आटा जो है वो बिल्कुल यहाँ पे देखिए सॉफ्ट हो चुका है, आप देख सकती हैं। तो अब चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम इस तरह से काट लेंगे, इसका लोई काटेंगे और इस तरह से हम यहाँ पर में देखिए इस तरह से हम इसका लोई काट लेंगे। छोटा बड़ा साइज आप अपने हिसाब से रख सकती हैं। तो आज यहाँ पे देखिए है ना अमेजिंग सा डिश, आज हम गोभी का पूरी बनाएंगे, बिल्कुल सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाली। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर में क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम चकला ले लेंगे और अब यहाँ पे हम चकला लेके और इस तरह से हम चकला पे लोई रख लेंगे। यहाँ पे हम पेड़ा जैसे बना के और अब हम इसको बेल लेंगे। इस तरह से हम इसको हम बेलन से बेल लेंगे। बड़ा छोटा साइज आप अपने हिसाब से बना सकती हैं। तो अब देखिए इसी तरह से हम सारा पूरी हम बेल लेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम बेल लिए हैं पूरी। तो चलिए हम इसको पहले तल लें। यहाँ पे देखिए कढ़ाई में तेल डाल दिए हैं और तेल बिल्कुल गर्म है और अब यहाँ पे हम पूरी डाल लेंगे और अब हम इसको इस तरह से हम यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया से जो पूरी है वो फूल रहा है, आप देख सकती हैं। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया से पूरी जो है वो कितना फूल चुका है, आप देख सकती हैं। अब यहाँ पे हम प्लेट में पूरी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम एक प्लेट ले लिए हैं और इस प्लेट में हम पूरी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्रिस्पी क्रिस्पी गर्मा गर्म यहाँ पे गोभी का पूरी बनके तैयार हो चुका है, आप लोग देख सकती हैं। तो अब हम यहाँ पे दूसरा बैच भी इसमें हम रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए हम इस तरह से हम रख लेंगे और अब हम इसको भी तल लेंगे इस तरह से हम। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर में सारा पूरी छान लिए हैं और अब यहाँ पे हम प्लेट ले लेंगे और आप लोग के लिए यहाँ पे गर्मा गर्म पूरी हम सर्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर में हम चने की घुघनी बना लिए हैं। ये बिहार का स्पेशल घुघनी है, हम आपके साथ शेयर पहले भी कर चुके हैं। और यहाँ पे हरी वाली धनिया की चटनी और अब यहाँ पे गर्मा गर्म यहाँ पर में गोभी का पूरी। तो यहाँ पर में देखिए कितना सॉफ्ट और कितना फूला फूला पूरी बन चुका है आप लोग के लिए। सिर्फ यहाँ पे खाने का देर है, जो आप लोग जल्दी जल्दी आइए और इसको खा के बताइए। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग के लिए यहाँ पे गर्मा गर्म गोभी का यहाँ पर में पूरी बनके तैयार हो चुका है और यहाँ पर में बहुत ही टेस्टी पूरी है। हम आपको तोड़ के दिखाते हैं जो ये कितना सॉफ्ट है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा सा भी वो नहीं लग रहा है तोड़ने में। तो यहाँ पे देखिए गर्मा गर्म आप इसका अंदर का भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना फूला फूला यहाँ पे, इस तरह से चटनी के साथ भी यहाँ पे सर्व कर सकती हैं। यहाँ पे चटनी के साथ भी बहुत टेस्टी लगेगा, या तो आप इसको यहाँ पे घुघनी के साथ भी, चने की घुघनी के साथ भी आप खा सकती हैं, नहीं तो आप आलू की चटनी के साथ भी यहाँ पे खा सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग के लिए तो हम बना दिए हैं और आप लोग को कैसा लगा ये रेसिपी, बिल्कुल कम समय में झटपट बनके तैयार हो चुका है। थोड़ा सा कुछ चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपका रेसिपी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप लोग को कैसा लगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उससे पहले जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए और जितना हो सके उतना अपने दोस्त में, अपने रिश्तेदार में आप शेयर करिए और सपोर्ट करिए, क्योंकि आप लोग की सपोर्ट की ही ज़रूरत है हमें और आप लोग का प्यार का भी ज़रूरत है, क्योंकि इतना आप लोग प्यार किए
तो आज इतना जो भी है आप लोग के प्यार और यहाँ पर मैं सपोर्ट की ही यहाँ पे जो भी है सो। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग के लिए अब हमको क्या बनाना है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा और अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करिएगा। तो चलिए, बाय बाय।